गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल। आज हम कर रहे हैं कक्षा नंबर 4, हिंदी ग्रामर पार्ट नंबर 7। हमारा टॉपिक है सर्वनाम। हम सर्वनाम के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सोचिएगा, प्रत्येक काम के लिए आपको ही पुकारा जाए तो आपको कैसा लगेगा? परेशान हो जाओगे ना। इसी तरह की परेशानी से हम संज्ञा को भी बचाना चाहते हैं, इसलिए संज्ञा की जगह स्वरनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, ये, वे, उसे, उन्होंने आदि स्वरनाम शब्द है। ये सारे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। रोहन भैया, जल्दी आ जाओ, खाना तैयार है। मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, आप लोग खाना खा लो। तो ये मैं किसकी जगह पर काम आ रहा है? रोहन की जगह पर। तो ये शब्द क्या हो गया? स्वरनाम शब्द। मैं, राधा और माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं शब्द जो है वो स्वरनाम शब्द है। वह अभी पढ़ रहा है तो चलो हम खाना खा लें। इसमें वह शब्द क्या है? स्वरनाम शब्द है। तो हम स्वरनाम के बारे में पढ़ चुके हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम स्वरनाम कहते हैं। आपने बातचीत में संज्ञा शब्दों रोहन, राधा, मम्मी के स्थान पर स्वरनाम शब्दों में मैं, आप, तुम्हारा, वह, हम का प्रयोग देखा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द स्वरनाम कहलाते हैं। ये किसकी परिभाषा है? स्वरनाम की। हमने किसके बारे में पढ़ा? स्वरनाम के बारे में। स्वरनाम के रूप। बोलने वाला व्यक्ति के लिए मैं, मेरा, हम, हमारा, जो मतलब अपनी बात कह रहा है उसके लिए ये वाले सर्वनाम शब्द यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं। सुनने वाला यानी जो श्रोता होता है उसके लिए तुम, तुम्हारा, तुम, तेरा, तुझे, आप और आपने, ये होता है सुनने वाले के लिए। बोलने वालों के द्वारा किसी तीसरे के लिए कौन कौन से सर्वनाम शब्द यूज होते हैं? वह, उसने, वे, उन्होंने, उसे, उन्हें, ये होता है किसी तीसरे व्यक्ति के लिए। एक तो होता है बोलने वाला, एक सुनने वाला, और एक होता है हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन। आइए अब सर्वनाम के बारे में आगे जानें। यह, ये, वे आदि सर्वनाम शब्द निश्चित रूप पूर्वक किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे वे मेरी माता जी है, वे शब्द को क्या हो गया? सर्वनाम शब्द। यह मेरी किताब है, ये शब्द क्या है? स्वरनाम शब्द। कुछ, कोई, किसको आदि स्वरनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते, अर्थात वह अनिश्चितता का बोध कराते हैं, जिससे ये पता नहीं चलता कि ये किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं होता। इस प्रकार इस गड्ढे में कुछ गिरने की आवाज़ आई, तो कुछ शब्द में क्या है? कुछ में कोई तिनका हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, तो जिसमें निश्चित ना हो तो वो होता है अनिश्चित सर्वनाम। दरवाजे पर कोई है, अब कौन है ये निश्चित नहीं बता पा रहे। कोई में कोई भी हो सकता है, कोई स्त्रीलिंग में हो सकता है, पुल्लिंग में हो सकता है। क्या, कौन, किसे आदि सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जैसे तुम क्या खा रहे हो, भारत का राष्ट्रपति कौन है, वे किसे बुला रहे हैं, उसे, जिसे, उसका, जिसका, जो, सो आदि स्वरनाम शब्द संबंध बताने का काम करते हैं। जैसे रोहित उसे बुला रहा था, जिसे गीत गाना था, रोहित उसे बुला रहा था, उसे भी स्वरनाम शब्द है, और जिसे ये भी बुला रहा था, जिसे, ये भी दोनों में संबंध है, तो ये दोनों में संबंध बता रहा है। जिसका नाम सुधा ने लिया, उसका पता मनु जानता है, इन दोनों में भी ये जिसका सर्वनाम शब्द और उसका ये भी सर्वनाम शब्द, और दोनों में संबंध है। जो दूध लाता है सो तो पीता नहीं, जो दूध लाता है सो तो पीता नहीं, जो और सो दोनों ही सर्वनाम शब्द है और दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। अब आपको ये एक्सरसाइज करनी है, अपनी बुक में ही फिल करनी है आपने। उचित स्वरनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। अब आपने इसमें स्वरनाम शब्द भरना है। किताबों को सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ, इसमें स्वरनाम शब्द आएगा क्या? जैसे मैं किताबों को सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। अब सेकंड लाइन में क्या आएगा? किताबें पढ़ना अच्छा लगता है,
तो इसमें क्या सर्वनाम आएगा? किताबें पढ़ना, मुझे, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। इस तरीके से आपने ये सारे ही खालिस्तान जो है वो अपने आप आपने फिल करने हैं। अगली एक्सरसाइज है, केवल स्वरनाम शब्दों पर सही का निशान लगाना है। रवि, हम, मोहन, वे। तो इसमें स्वरनाम शब्द कौन सा है? रवि स्वरनाम शब्द है? नहीं है। वह है, तो इसमें भी सही का निशान लग जाएगा। छात्र, नहीं है। हम, है। निशा, नहीं है। उस, ये भी है। इस तरीके से आपने सब छांट करके इनमें जो स्वरनाम शब्द हो उसके आगे आपने ऐसे सही का निशान लगाना है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। उसके बाद है खालिस्तान। उचित विकल्प लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। आपके सामने विकल्प लिखे हुए हैं और आपने इनमें से एक चुनकर लिखना है। पहला है डैश, राम को बुलाया था। मैं, मैंने, उसे। तो तीन में से कौन सा आएगा? मैंने राम को बुलाया था, तो इसमें क्या आ जाएगा? मैंने राम को बुलाया था, मैंने। तो इस तरीके से तीन विकल्प आपके पास दिए हैं और सही जो आपको लगे वो लिखना है। एक मैंने बता दिया, बाकी आप सब अपने खुद आप सोच समझ करके इसमें फिल करके दिखाओगे। अगली एक्सरसाइज है, दिए गए वाक्यों में से स्वरनाम शब्द चुनकर लिखिए। जो जागता है सो, जो जागता है सो पाता है। तो इसमें जो और सो दोनों ही स्वरनाम शब्द हैं। इसी तरीके से आपने सभी वाक्यों में से स्वरनाम शब्द को यहाँ पर लिखना है और इनसे आपने वाक्य बनाने, छोटे छोटे वाक्य आप खुद बनाकर देखोगे। आज आपने स्वरनाम के बारे में पढ़ा और आप कितना समझे हो आप ये अपनी एक्सरसाइज में भरकर बताओगे। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, जब हमारा वर्क चल रहा था तब हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। बीच में बेसिक वर्क होने लग गया था। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड चैप्टर नंबर 5 मींस 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 13, स्टडी ऑफ द पास्ट। यानी कि हमारा जो बीता हुआ कल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नेम ड्रॉ करेंगे, स्टडी ऑफ द पास्ट। देन हेडिंग डालेंगे डिफिकल्ट वर्ड। चैप्टर नंबर 13 के जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो आज हम करेंगे। फर्स्ट है हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री। सेकंड है आर्कियोलॉजी, ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी। थर्ड है सब्सटेंसेस, SUBSTANCES, सब्सटेंसेस। फोर्थ हमारा है इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन। फिफ्थ है मोनूमेंट्स, MONUMENTS, मोनूमेंट्स। सिक्स्थ है लिटरेरी, LITERARY, लिटरेरी। सेवन्थ है वेपन्स, WEAPONS, वेपन्स। एट्थ है पीरियड, PERIOD, PERIOD मीन्स पीरियड। टेंथ हमारा जो नाइन्थ है वो है सोर्सेज, SOURCES, सोर्सेज। टेंथ हमारा है एनशियंट, ANCIENT, एनशियंट। नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री, फर्स्ट हमारा जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है? फर्स्ट वन इज हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री मीन्स इतिहास। सेकंड है आर्कियोलॉजी, ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व, यानी कि जो पुराने तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? आर्कियोलॉजी, पुरातत्व। थर्ड हमारा है इन्वेंशन, INVENTION, इन्वेंशन मीन्स आविष्कार। फोर्थ है सब्सटेंसेस, SUBSTANCES, सब्सटेंसेस मीन्स तत्व। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है इंस्क्रिप्शंस, INSCRIPTIONS, इंस्क्रिप्शंस मीन्स अभिलेख। सिक्स्थ हमारा है वेपन्स, WEAPONS, वेपन्स मीन्स हथियार।
सेवन्थ है इन्फॉर्मेशन, INFORMATION, इन्फॉर्मेशन मीन्स सूचना। एट्थ है मोनूमेंट्स, MONUMENTS, मोनूमेंट्स मीन्स स्मारक, मोनूमेंट्स मीन्स स्मारक। एट्थ हमारा है, नाइन्थ हमारा है लिटरेरी, LITERARY, लिटरेरी मीन्स साहित्य। टेंथ हमारा है एंशियंट, ANCIENT, एंशियंट मीन्स प्राचीन। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दीज डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, यू शुड ऑल्सो लर्न एंड राइट दीज वर्ड मीनिंग्स इन योर फेयर नोटबुक, शुड बी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास, आई एम सिमरन मैम, योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी विल स्टार्ट अवर इंग्लिश रीडर सिलेबस। प्रीवियस क्लासेस में और PT1 के एग्जामिनेशन में हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, द कैलिप एंड द क्लॉन फर्स्ट चैप्टर हमारा, सेकंड चैप्टर पैटर एंड द पोरेज, थर्ड चैप्टर टी द मोस्ट कॉमन बेवरेज, एंड हमारा फोर्थ चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था धर्म एंड कपट वाला। तो कुछ हमारे कॉमन कॉम्पिटिशन थे जिनकी वजह से हम ये कर नहीं पाए थे, तो हम आज धर्म एंड कपट चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग्स एंड डिफिकल्ट वर्ड्स करेंगे। हमारा चैप्टर नेम है धर्म एंड कपट, क्लास फोर्थ एंड चैप्टर फोर्थ। सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा थ्रोनी, THRONY, थ्रोनी। थ्रोनी का मतलब होता है कांटेदार, कांटेदार झाड़ियाँ। सेकेंड है एंशियंट, ANCIENT, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। थर्ड है हमारा ट्रेजर, TREASURE, ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। फोर्थ है हमारा ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। फिफ्थ है होलो, HOLLOW, होलो, होलो का मतलब होता है खोखला। किसी भी पेड़ में, पेड़ की जो जड़ होती है उसमें जो जगह होती है बीच में बेल वगैरह जो होते हैं, उसे क्या हम कहते हैं, खोखला। सिक्स्थ है हमारा विक्ट, WICKED, विक्ट का मतलब होता है शैतान। सेवन्थ है प्रीटेंडेड, PRETENDED, प्रीटेंडेड, प्रीटेंडेड का मतलब होता है नाटक, नाटक करना। एट्थ है हमारा प्लीडेड, PLEADED, प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब होता है वकालत की, वकालत करना, किसी के खिलाफ बोलना या किसी के साझे में बोलना। नाइन्थ है हमारा ट्रिक, TRICK, ट्रिक का मतलब होता है छल करना। सो थैंक यू क्लास।